मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दिवंगत पत्नी मंजू देवी की पुण्यतिथि के मौके पर अपने पैतृक गांव हरनौत के कल्याण विगहा पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी पहुंचे गांव के स्कूल में आयोजित जनता दरबार में। और इसी दरबार में पहुंचा था नीमा कोला गाँव का रहने वाला सोनू कुमार। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सीएम नीतीश ही नहीं बल्कि वहां खड़ा हर खासो आम शख्स हैरान रह गया। दिखने में साधारण बच्चे की तरह लगने वाले सोनू ने भरी भीड़ में हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से जो कुछ कहा उसे सुनकर मुख्यमंत्री साहब भी चौंक गए। हाथ जोड़कर बेहद विनम्रता और दृढ़ता के साथ सोनू ने जो बात कही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब आग की तरह वायरल हो रहा है। सोनू की बात सुनकर अब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। छठी कक्षा में पढ़ने वाले 11 साल के सोनू ने सीएम नीतीश को आवाज लगाई। जब मुख्यमंत्री ने उसकी आवाज सुनी तो वो ठहर गए और फिर सोनू ने सीएम और बड़े अधिकारियों के सामने ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। सोनू ने जब बोलना शुरू किया तो अधिकारी भी सकते में आ गए। सोनू ने नीतीश कुमार से कहा कि सर, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पिताजी दही बेचते हैं, जो कमाई होती है उसकी वो शराब पी जाते हैं। जिस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वहाँ के शिक्षकों को पढ़ाना नहीं आता। ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। अगर सरकार की ओर से कुछ मदद मिल जाती और मेरा दाखिला प्राइवेट स्कूल में हो जाता तो मैं पढ़ लिख कर IAS IPS अधिकारी बनना चाहता हूँ। सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं, तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। बच्चे की बातों को सुनकर सीएम नीतीश ने तत्काल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सोनू ने बताया कि उसके पिता की दही की दुकान है लेकिन कमाई का सारा पैसा वो शराब पीने में उड़ा देते हैं। सोनू पढ़ लिख कर IAS PCS बनना चाहता है लेकिन गरीब होने और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण सपनों को पंख नहीं लग पा रहे। हम अभी कल्याण विघा माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम पहुँचे हैं और ये अभी लगता है मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं, इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के नीचे। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं, तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। सोनू की काबिलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद छठी कक्षा में पढ़ते हुए वो पांचवी कक्षा के 40 बच्चों को शिक्षा देकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता है। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा बिहार की शराबबंदी और शिक्षा व्यवस्था का गुणगान करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की आंखों में आंखें डालकर सोनू नाम के इस बच्चे ने बिहार में शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी को असफल बताया, वो कहीं न कहीं इस पूरे अभियान की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जो बच्चा अपनी पढ़ाई को लेकर इस कदर चिंतित है उसके भविष्य का बिहार सरकार कितना ख्याल रख पाती है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।